हेलो एवरीवान वेलकम टू माई चैनल नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज़ ग्रामेटिकली एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन टी आर ए आर एंड एम आर इन इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन नाम एज यू ऑल नो कि प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि टी आर ए आर और एम आर का रिलेशन कैसा होता है एक परफेक्ट कॉम्पटिशन में बट आज हम उल्टा पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कि टी आर ए आर और एम आर का रिलेशन कैसा होता है इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट क्या होता है परफेक्ट क्या होता है हमें पता होना बहुत ज़रूरी है इफ़ अगर आपको नहीं पता तो काइंडली हैव अ लुक ऑन वन ऑफ माई वीडियो जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है तो आज हम इम्परफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं सो तो हम सिर्फ इम्परफेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं कि क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ना दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं डिग्रामेटिकली एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन टी आर ए आर एंड एम आर इन इम्परफेक्ट कॉम्पटिशन डायग्राम बनाकर समझाना है दोनों तीनों चीज़ों के बीच का रिलेशन जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको उसका एक मीनिंग देना है कि वॉट इज़ एन इम्परफेक्ट कॉम्पटिशन तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि इम्परफेट कॉम्पटिशन इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर प्रोड्यूसर्स आर सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइस क्योंकि कोई कॉम्पटिशन नहीं है कोई आपस में कुछ हो नहीं रहा है प्राइसेस का को लेकर कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट है जहाँ पर सेलर्स हैं डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं कोई कुछ बेच रहा है कोई कुछ बेच रहा है और क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट है इसलिए प्राइसेस भी डिफरेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहे तो पहले तो आप मीनिंग समझा देंगे जैसा कि यहाँ पर ऊपर समझा दिया उसके बाद बनाएंगे एक टेबल इस टेबल में जब हम बनाएंगे तो आउटपुट हमारा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन प्राइस इज़ क्योंकि हमें पता है कि इम परफेक्ट मार्केट जहाँ भी होती है इम परफेक्ट में हमेशा प्राइस डिफ़र करते हैं क्योंकि लोग डिफरेंट चीज़ें बेचते हैं प्रोड्यूसर्स डिफरेंट अलग अलग टाइप के गुड्स बेचते हैं तो उनकी प्राइसेस भी हमेशा अलग अलग ही होते हैं वहीं जब एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव होता है वहाँ पर क्योंकि कॉम्पटिशन चल रहा है तो प्राइस सबके सेम होते हैं प्रोडक्ट्स भी सेम होते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इसलिए प्राइसेस भी सेम होते हैं कि कोई भी एक इन्फ्लुएंस ना कर पाया प्राइस को बट इम्पर्फेक्ट इज जस्ट द ऑपोजिट इसमें प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है कोई कुछ बेच रहा है कोई कुछ बेच रहा है और उसी के हिसाब से प्राइस भी बिल्कुल डिफरेंट है प्राइस को बढ़ाना प्राइस को घटाना इज कम्प्लीटली इन देंड्स ऑफ द सेलर्स तो अब आ जाते हैं प्राइस पे वे इज़ ट्वेंटी एटीन सिक्सटीन फोर्टीन ट्वेल्व टेन एट प्राइस फॉल हो रहा है जैसे जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा वैसे वैसे प्राइस इज ऑल्सो फॉलिंग आप देख रहे हैं जब एक बेचते थे बीस रुपये का लगाया अब दो बेचे अट्ठारह का लगाया वैसे ही सात जो प्रोडक्ट्स पर आए तो आठ रुपए के हो गए टोटल रेवेन्यू पर आते हैं अब जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम टोटल जब हम रेवेन्यू कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो इसमें हमने पढ़ा था टी निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू आउटपुट वैसे ही ट्वेंटी इंटू वन किया तो ट्वेंटी एटीन इंटू टू किया तो थर्टी सिक्स सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट फोर्टीन इंटू फोर फिफ्टी सिक्स so एंड सो ऑन ऐसे करके हमारा टी आर निकल कर हमारे सामने आ गया अब जो तीसरी चीज़ है वो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारा टी आर से ही निकलता है लाइक like ट्वेंटी तो एम आर वॉज ऑल्सो ट्वेंटी जब टी आर हमारा क्योंकि एक यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ा तो टी आर में भी हमारा चेंज हुआ क्योंकि प्राइस में चेंज हुआ है तो टी आर जब बीस से छत्तीस हो गया तो थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू सिक्सटीन तो यहाँ पर ये फिर फोर्टी एट में से थर्टी सिक्स गए तो ट्वेल्व फिर फिफ्टी सिक्स में से फोर्टी एट गए तो एट सिक्सटी में से फिफ्टी सिक्स गए तो फोर सिक्सटी में सिक्सटी गए तो जीरो एंड फिफ्टी सिक्स में से जब सिक्सटी जाएंगे तो माइनस फोर तो ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एम आर को कैसे हम निकालेंगे एंड ऑल दिज फॉर्मूलाज ऑल दिज कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी क्लियर तो आप जाकर प्लीज़ एक बार रेवेन्यू की प्ले लिस्ट को देख लें अब हम आ जाते हैं अपनी कर्व को थोड़ा सा समझेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ दिस इज द कर्व अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि जो प्राइस और ए आर क्योंकि यहाँ पर ए आर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू ए आर जैसा प्राइस होता है वैसा ही हमारा एवरेज रेवेन्यू भी होता है तो इसलिए उसको स्पेशली शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब आते हैं सबसे पहले कर्व के ऊपर इज़ ऑफ ए आर एंड एम आर अभी हम सिर्फ टी आर को इंक्लूड नहीं करेंगे सिर्फ ए आर और एम आर को ही देखते हैं जैसा कि हम अपने कर्व में देख सकते हैं वो वाई एक्सिस पे वी आर मेजरिंग रेवेन्यू ए आर और एम आर क्योंकि ए आर और एम आर और प्राइस लाइन ये तीनों चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा इक्वल होती हैं बट क्योंकि अभी हम परफेक्ट कंपटीशन नहीं पढ़ रहे अभी हम इम परफेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम ओ वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे दोनों को ए आर को भी और एम आर को भी क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो है वो फॉल हो रही हैं जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइस में अभी मैंने आपसे कहा कि प्राइस और रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर सेम होता है प्राइस को भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है उसी तरह से एवरेज रेवेन्यू भी हमारा कंटिन्यूसली फॉल होगा क्योंकि वो भी इसके इक्वी है और एम भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है इसलिए वो भी यहाँ पर ड्रॉ है तो यहाँ पर सिर्फ तो फॉलिंग वाले वेरिएबल्स को ही रखा है टी आर को यहां पर नहीं रखा ओ एक्स एक्स पे हम आउटपुट को मेजर करेंगे अब हम देख रहे हैं सबसे पहले एम को देखते हैं मार्जिन रेवेन्यू को हम देखेंगे तो बीस सोलह बारह आठ चार शून्य और माइनस कंटिन्यूसली फॉल हुआ है जब वो इस जीरो वाली लाइन पर आ गया इसका मतलब है कि वो इस पॉइंट पर है जीरो पर है उसके बाद एमआर जब माइनस में आया इसका मतलब है कि इस वाले ओ एक्स एक्सेसर नीचे चला गया मतलब दिस इज़ द माइनस वाला एरिया तो वो माइनस चला गया तो ये तो हमारा एम right. आर है और राइट ना अब ए आर पर आते हैं क्योंकि ए आर इज़ इक्वीव टू प्राइस प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है बट ना जीरो हुआ है और ना ही निगेटिव हुआ है सेम इज़ विथ ए आर ए आर हमारा ज़ीरो के पॉइंट को टच कर रहा है बट इट डजेंट मीन कि वो जीरो हुआ है ज़ीरो ए आर तब होता है जब प्राइस नेगेटिव होने लग जाए लेकिन प्राइस तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इसी जो मैक्सिमम कंडीशन होती है एवरेज रेवेन्यू की फोन होने की वो होती है हमेशा दिस वन दिस सेगमेंट ये है हमारा ए जो कि थ्री पॉइंट्स है अब हम आते हैं अपने टोटल रेवेन्यू पे विच इज दिस अब हम टोटल रेवेन्यू को एक बार देख लेते हैं ट्वेंटी थर्टी सिक्स फोर्टी एट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है क्योंकि आउटपुट के साथ प्राइस को इंटू करके टी निकलता है और जैसे जैसे हमारा आउटपुट अब इन दोनों का रिलेशन होता है आउटपुट का और टी का दे बोथ हैव वेरी डायरेक्ट रिलेशन जितना जितना ये बढ़ता है उतना उतना हमारा टी आर भी बढ़ता है तो उतना जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो मैं पता है कि दोनों चीजें साथ में ही बढ़ती हैं तो अब हम टी आर को सिर्फ देखते हैं आप देख रहे हैं टी आर यहाँ पर बढ़ रहा है फिफ्टी सिक्स पॉइंट से लेकर सिक्सटी तक कंटिन्यूसली वो बढ़ा मतलब कि बढ़ा अब इस एम पॉइंट पर आप कर्व में देख सकते हैं एक थोड़ी सी स्टेगनेंसी आई है थोड़ा सा रुकाव आया है यहाँ पर वो है इन दो पॉइंट्स पर जब ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गया सिक्सटी भी मतलब कि यहाँ पर कॉन्स्टेंसी आ गई फिर क्या हुआ सिक्सटी के बाद इट है स्टार्ट फॉलिंग मतलब फिफ्टी सिक्स मतलब कि ये वाली गिरावट टी आर की यहाँ पर दर्ज हो गई तो ये था हमारा ए आर एम आर और टी आर का रिलेशन इन एन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और रिलेशन के बारे में पहला पॉइंट इंक्रीजेस ए आर फॉल्स एम आर इज ऑल्सो फॉलिंग बट लेस देन ए आर वैन टी आर इंक्रीजेज मतलब इस पॉइंट पर टी आर का मतलब ये फिक्स सिक्सटी से ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे हैं जब टी आर बढ़ रहा था ए आर को देखिए आप फॉल हो रहा था एम आर भी फॉल हो रहा था बट लेस देन टी आर वो नॉट द टी आर सॉरी बट लेस देन ए आर टी आर भी टी आर जो बढ़ रहा था और राइट ए आर फॉल हो रहा था एम आर भी फॉल हो रहा था बट ए आर से कम लेस देन ए आर क्योंकि इसके नीचे मतलब वो से लेस है सेकेंड पॉइंट से इज़ वैन टी आर इज़ मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट जब टी आर एस पोजिशन पर आया मतलब ये सिक्सटी सिक्सटी वाली पोजिशन पर जब आया बिल्कुल टॉप पोजिशन पर आया स्टैगन हो गया कॉन्स्टेंट हो गया उस वक्त क्या हुआ ए आर वॉज फॉलिंग पॉजिटिवली एंड एम आर बिकम्स ज़ीरो ए आर फिर भी पॉजिटिवली स्लोप कर रहा था और एम आर जो है वो ज़ीरो पर आ गया मतलब कि जीरो को उसने टच कर लिया थर्ड पॉइंट सेज इज वैन टी आर फॉल्स जब टी आर में यहाँ स्टैगरेंट होने के बाद जब गिरावट आनी शुरू हुई when टी आर एस स्टार्ट फॉलोइंग ए आर हैज़ बिकम जीरो ए आर को हमने देखा कि वो जीरो बन चुका है और एम आर जो है वो जीरो पे पहले ही था वो बियॉन्ड नेगेटिव चला गया मतलब beyond एम पॉइंट निकल गया नीचे मतलब कि वो माइनस में चला गया तो ये है तीनों का रिलेशन इन एन इम्परफेक्ट कॉम्पिटेशन का दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डोंट इवन थिंक टू स्किप दिस रिलेशन कभी भी एग्जाम में आ जाता है कि वट इज़ द रिलेशन बिटवीन टी आर ए आर एंड एमर एन इम्परफेक्ट कॉम्पिटन शॉर्ट आंसर्स में भी लॉन्ग आंसर्स में भी तो अब इसे स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचेगा अब एक थोड़ा सा ब्रीफिंग एक्सप्लेन भी यहाँ पर कर लेते हैं विच इज इम्पोर्टेंट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे हम स्किप नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में तो उसे समझते हैं साथ साथ इट इज़ क्लेर फ्रॉम द शेड्यूल एंड कर्व दैट टी आर इंक्रीज इनिशियली बट एट अ डिमिनिशिंग रेट दैन इट रीच एट टैक्सिमम रिमेंस कॉन्सटेंट एंड फॉल्स अब हम हम यही इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं यही चीज़ कि शेड्यूल में भी देखने को हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो टी आर है वो पहले बढ़ता है फिर थोड़ा सा कॉन्स्टेंट होता है और फिर वो फॉल करने लगता है मतलब एक डिमिनिशिंग रेट पर और वही चीज़ हमें कर्व में भी देखने को मिल रही है कि पहले बढ़ा फिर थोड़ा सा स्टैग्रेंट हुआ फिर गिरने लग गया और राइट ए आर इज़ because बिकॉज अंडर competition कॉम्पिटिशन has हैज़ टू रिड्यूज़ द to टू सेल मोर अब ए आर क्यों गिरता है एवरेज रेवेन्यू इसीलिए गिरता है क्योंकि एक इम्परफेक्ट कॉम्पटिशन में ये होता है कि अगर अब हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो हमें अपने दाम सस्ते करने पड़ेंगे लोग कहते हैं बार्गेनिंग करवाते हैं हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है अब हमें कॉम्पटिशन तो है नहीं कि अगर सामने वाला अपने प्राइस नहीं कम करेगा तो हम क्यों करें क्योंकि एक कॉम्पिटिशन नहीं है एक इम्परफेक्ट कॉम्पटिशन है वो कुछ और बेच रहे हैं हम कुछ और बेच रहे हैं अगर हमें हमारी चीज़ें नहीं बिकेंगी तो हमें उन्हें कम करने के लिए दाम अपने गिराने पड़ेंगे ठीक है चलो प्रॉफिट कम कमाना पड़ेगा बट उसके रेट्स हमें कम करने पड़ेंगे क्योंकि इम्परफेक्ट कॉम्पटिशन है इसलिए ए आर बी यहाँ पर फॉल हो रहा है क्योंकि प्राइस को कम करना पड़ता है ज़्यादा बेचने के लिए कभी कभी हम देखते होंगे हम शॉपिंग पर कभी जाते हैं तो सेलर्स बोलते हैं कि अच्छा खरीद लीजिए अच्छा ले लीजिए ठीक है अच्छा ले लीजिए इसका मतलब ये होता है कि दे आर अर्निंग वो कमा तो रहे हैं बट उनका एवरेज रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा बेचना चाहते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वहाँ पर इम्परफेक्ट होता है ए आर के नॉट भी नेगेटिव है प्राइस काट भी नेगेटिव अब वही बात जो मैंने पहले कही थी कि ए आर जो है वो जीरो पॉइंट तक तो आ जाता है बट इट के नॉट गो नेगेटिव क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों एक ही हैं यहाँ पर प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता प्राइस कभी भी माइनस में नहीं जा सकता कभी आप सामान के साथ साथ उस सेलर से पैसे लेके नहीं आ सकते उसी तरह से एवरेज रेवेन्यू भी कभी भी माइनस में या फिर नेगेटिव पोजीशन पे नहीं जा सकता देन एम आर इज फॉलिंग कंटिन्यूसली बिकम जीरो एंड देन नेगेटिव की जो बात करते हैं कि वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पहले जीरो हुआ और राइट देन जीरो पे टच हो गया देन माइनस मतलब हैज़ गॉन नेगेटिव जीरो वाले जो वो एक्स एक्सेज होता है उससे नीचे वो चला गया देन वॉट हैपन्स अंडर इम्पर्फिट कॉम्पिटिशन इम्पर्फिट कॉम्पिटिशन में क्या होता है एम आर इज ऑलवेज लेस एन ए आर एम आर हमेशा ए आर से कम होता है मतलब उसकी लाइन नीचे होती है ए आर की लाइन ऊपर होती है दैट्स कर्व स्लोप बिलो द ए कर्व इसीलिए हमेशा एम आर कर्व ए आर कर्व के नीचे ही स्लोप करता है क्योंकि वो उससे कम है तो ये हम सबको पता है सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द इमपर्फेक्टेक्ट कॉम्पिटिशन आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इफ़ यूव एनी क्वेरीज डो नॉट फोगेट टू यूज़ द कमेंट बॉक्स डो नॉट फोगेट टू आस्क मी और यू कैन मेड ऑल्सो अगर कुछ आपको पूछना है तो इट वॉज़ ऑल अबाउट दैट अग्रामेटिकली एक्सप्लेन ऑफ टी आर एर एंड एम आर इन इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड या आई है फेसबुक पेज उसका नाम है इकनॉमिक्स हब तो आप उसे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं क्योंकि इट्स क्वारंटाइन टाइम टाइम एंड वी ऑल हैव टू स्टडी हम उसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाई तो हो ही रही है पहले तो ऑफलाइन होती थी अब ऑनलाइन होती है तो पढ़ाई का लॉस ना हो आपकी बोर्ड क्लासेज हैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बोर्ड वाले हैं तो आपका ईयर जो है वो एक स्पेशल स्टेक पर लगा हुआ है तो फुल यूज़ करें क्वारंटाइन का एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स शेयर द लिंक फेसबुक पेज पर जाकर द इकोनॉमिक्स हब इज़ द नेम ऑफ माई पेज Thank you so much guys for watching the video and do like, do share, do subscribe to the channel. Thanks a lot.